नमस्कार, आप देखते हैं पावर ब्रेकफास्ट। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन सत्र बहुत खास होगा क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार पे एक करेक्शन देखने को मिली। ये हफ्ता एक्सपायरी का हफ्ता है और हो सकता है मार्केट पे शुरुआत एटलीस्ट पॉजिटिव हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज आज कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट को। देखिए, आज ज्यादातर एशियन मार्केट जो है वो बंद है, चाइना के बाजार बंद है, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्ले हो रहा है जैसे कि निके 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कॉस्पी की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव होती हुई नजर है और सेंसेक्स निफ्टी 13 अंकों के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम एरिया जो मार्केट के पास है वो है बैंकिंग। अगर बैंकिंग में कोई भी पुलबैक आता है, हालांकि अब ये जो पंजाब नेशनल बैंक का कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर साथ ही साथ बैंकिंग पे तो ऑलरेडी पड़ चुका है, बहुत सारे पीएसयू बैंक अब कहीं ना कहीं रडार पर आ चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी पुलबैक आया सरकारी बैंकिंग खेमे में तो वो सपोर्ट कर देगा इंडियन मार्केट्स को। देखना होगा आज बैंकिंग कैसे पैन आउट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैग्नेटिक महाराष्ट्र से जो भी अनाउंसमेंट निकल के आएगी वो बहुत इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट पे, खास तौर से जो मुंबई बेस्ड कंपनियां होंगी वो आज के सत्र में इंपैक्टेड हो सकती हैं। पिछले सत्र में डाउ जोन्स फ्लैट कहूंगा क्लोज होता हुआ नजर आया, नैसडैक में हल्की गिरावट थी, S&P बिल्कुल फ्लैट था। आज US मार्केट्स बंद हैं, लेकिन जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वहां पर 1% और इनफैक्ट 1% से ज्यादा की तेजी मार्केट्स पे देखने को मिली थी, एक कंसोलिडेशन जोन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि मार्केट में यहां पर क्या कुछ ट्रिगर्स यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रूड पिछले सत्र में भी अच्छी तेजी में था, $65 के पार ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ नजर आया और नाइमेक्स क्रूड $62 के पार पहुंचा है। आज शुरुआती सत्र में भी 1% के आसपास की तेजी है और देखना होगा यहां से क्रूड कितना गेन करता है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इंडियन मार्केट्स पे भी हावी हो सकते हैं। लेकिन जो जी बिजनेस व्यू आपके सामने रख दूं, हम रोज बरोज आपको बाजार खुलने से पहले बताते हैं कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे वे कर सकते हैं, मार्केट के अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या रहेगी। देखिए, कंसोलिडेशन जोन में है, आप निफ्टी पे समझिए कि 10,400 नीचे और 10,600 एक रेंज, इस रेंज के बीच में कामकाज हो रहा है। हालांकि पीएसयू बैंक्स लगातार कमजोर हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, पर यह ध्यान में रखिए कि जब बाजार बंद हो रहा था पिछले सत्र में तो पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर मुद्दा बहुत गर्म है, जहां पर सबसे ज्यादा खबरें निकल के आ रही फ्रॉड की, वहीं पर ही एक पुल बैक देखने को मिला। तो आज बहुत बड़ा इंपैक्ट निफ्टी बैंक पे देखने को मिल सकता है और यही एक फोकस एरिया होगा मार्केट का। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 10,400 ये एक इंपॉर्टेंट निफ्टी का सपोर्ट जोन है, इसको वॉयलेट करने के लिए अभी तक तो एटलीस्ट निफ्टी तैयार है नहीं और इसके अब धीरे धीरे आ रहे हैं हम पास, यानी कि एक जो बैंड बना हुआ है 10,400 से 10,600 का, उसके लोअर पोर्शन पे आते चले जा रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पुल बैक की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस कहां है? रेजिस्टेंस है 10,600 के जोन पे, इस स्तर के ऊपर एक बार गए थे, उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल हो गया था, क्लोजिंग आई नहीं है इसके ऊपर, तो यही एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आएगा। देखना होगा ये जो 200 पॉइंट्स का दायरा है, क्या निफ्टी एक्सपायर इस हफ्ते इसी 200 अंकों के दायरे में हो जाएगा, ये एक और प्रॉब्लम एरिया। FIIs की जो बिकवाली के आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इनफैक्ट जनवरी में जितनी खरीदारी करी थी FIIs ने, फरवरी में उतनी बिकवाली कर चुके हैं, कैश मार्केट पे लगातार बिकवाली के सौदे FIIs के पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड मामले से ऑलरेडी सेंटीमेंट जो है वो कमजोर हो चला है और आज बैंकिंग फिर से फोकस में रहने वाला है, लेकिन कॉशियस रहिए, अगर आपके ट्रेड्स नेगेटिव साइड पे ओपन है बैंकिंग में तब भी रिस्क ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है बैंकों में। अरुण मंत्री जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है सर। SGX निफ्टी की शुरुआत तो हल्की तेजी के साथ हुई है, तो क्या समझे कि निफ्टी एक बाउंस के लिए तैयार है या फिर जो पिछले सत्र में लगभग 100 अंक साफ हो गए थे निफ्टी पे, आज भी गिरावट देखने को मिल सकती है? नमस्कार अजय जी, और निफ्टी का देखिए ओवरऑल एक रेंज 10,400-10,550 से 150 पॉइंट का रेंज ओवरऑल निफ्टी में नजर आता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट का अगर बात करें तो सेंटीमेंट काफी नेगेटिव लग रहा है, कोई भी उछाल पे निफ्टी अपने गेन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हमने हमारा जो सेल ऑन राइज का ही दिया है, कोई भी राइज आता है निफ्टी में 10,530 का स्टॉपर्स लगाए, नीचे में 10,380 तक एक बार निफ्टी वापस आ सकता है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर को लॉन्ग करना है तो 10,380-10,400 के पास लॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप ये भी बोल रहे हैं कि 10,380-400 के आसपास आ गए तो फिर से ट्रेड्स इनिशिएट कर लेंगे तेजी की साइड पे। सर, बैंकिंग पे एक बार बताइए क्या व्यू रखा हुआ है, खासतौर से जो सरकारी बैंक्स हैं, क्या वो आज पुल बैक देंगे? पीएसयू बैंक मोस्टली ओवरसोल्ड जोन में है, अगर देखें PNB में कल नीचे से एक अच्छा उछाल दिखा गया, इवन SBI भी अपने 255-260 जोन के आसपास जो भी क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। हो सकता है एक पुलबैक रैली पीएसयू बैंक में भी आ सकती है, बट ये पुलबैक रैली मोस्टली सेलिंग के लिए यूज करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव साइन पीएसयू बैंक में नजर नहीं आ रहे। इवन प्राइवेट बैंक भी देखें, बारिंग HDFC बैंक और बाकी बैंक काफी वीक ही नजर आ रहे हैं,
तो ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है, जब तक यानी आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव नहीं वीकली होता है। चार्ट्स कमजोर हैं, बाउंस आया तो इंट्राडे के लिए बाउंस आएगा, और ये जो आर्ली चार्ट्स और इंट्राडे चार्ट्स के बलबूते एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन हायर लेवल पे फिर से टिकना मुश्किल हो जाएगा। कौन से ट्रेड्स आपके फोकस में सर, कार्विक रिकमेंडेशन? एक भाई एक सेल हमने निकाला है, दोनों एक फ्रंटलाइन स्टॉक है और एक मिड कैप स्टॉक है। फ्रंटलाइन स्टॉक में एशियन पेंट में हमें बाई करने की सलाह देंगे, 1120 को स्टॉप लॉस लगाएं और 1175 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक होगा फार्मा में, जो कि ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क का एक अगर वीकली चार्ट देखे तो एक ब्रेकडाउन आया है, अगर इस स्टॉक को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। नीचे में 505 का टारगेट रखें, ऊपर में 540 का स्टॉप लॉस। ओके राइट, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा सेल कॉल है, जिसमें 505 का लक्ष्य है और 540 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करनी है तो एशियन पेंट्स, ये एक बेहतर स्ट्रक्चर है, एक्सपायरी से पहले ठीक पहले पॉजिटिव, मंथली चार्ट भी पॉजिटिव है इसके, यानी कि सीरीज में लोअर लेवल्स पे खरीदारी डेफिनेटली एशियन पेंट्स पे देखने को मिल रही है। 1175 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1120 का लगाना होगा। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज की जो ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, ज्यादातर फिर से खरीदारी की है। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग मानता है हुड को खरीद लीजिए, यहां पर 90 का टारगेट है, 81 का लगाना होगा एक स्टॉप। दूसरा डॉक्टर लालपात लैब, जिसका स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, 896 का होगा एक स्टॉप लॉस, टारगेट 955 तक के देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जिसमें टारगेट है 315, स्टॉप लॉस 270 का, इस ट्रेड पे आप लगाकर चलें। इसके अलावा इन्वेस्टर पॉइंट मानता है कि एसीसी का स्ट्रक्चर मजबूत है, सीमेंट पैक में कुछ पुलबैक के संकेत हैं, जिसमें एसीसी मजबूत लग रहा है, 1675 का टारगेट, 1630 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और एक है वीगार्ड, जिसमें जो टारगेट्स हैं वो है 240 के, स्टॉप लॉस आपको 229 का इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में बार बार कह रहा हूं फोकस में, और पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में एक और पेज सामने आया है। मुख्य आरोपी गोकुलनाथ शेट्टी के रिटायरमेंट के बाद भी घोटाला जारी था। गोकुलनाथ शेट्टी के रिटायर होने के बाद भी दो एफएलसी हुए, यानी कि एफएलसी का मतलब फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट। इनकी समय सीमा 24 जून तक थी। आपको बता दें कि गोकुलनाथ शेट्टी 31 मार्च 2017 को रिटायर हुए थे। चलिए एक और बार मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में एक और पेज सामने आया है, और जो मुख्य आरोपी हैं गोकुलनाथ शेट्टी, उनके रिटायरमेंट के बाद भी घोटाला जारी था। गोकुलनाथ शेट्टी के रिटायरमेंट होने के बाद भी एफएलसी यानी कि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी हुए। इनकी समय सीमा 24 जून तक थी। और यह भी आपको बता दें कि गोकुलनाथ शेट्टी 31 मई 2017 को रिटायर हुए थे। और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। देश भर में 15 राज्यों में ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली में 7 जगहों पर, जिसमें साकेत मॉल, वसंत कुंज, रोहिणी में ईडी की छापेमारी हुई। गोवा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता में भी छापेमारी हुई। इसके साथ सीबीआई टीम ने भी 5 राज्यों में 26 ठिकानों पर छानबीन की है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 का मुंबई में आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। मैग्नेटिक महाराष्ट्र का मकसद है राज्यों में निवेश लाना। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास को लेकर देश के सभी राज्यों में रेस जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस देशी विदेशी कंपनियों के सीईओस के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार को इस आयोजन के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के आने की उम्मीद है। 3 साल महाराष्ट्र सरकार ने इन्वेस्टमेंट का माहौल मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए। राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड बदलाव लाने में बहुत बड़ी मदद की। फडणवीस सरकार के रिफॉर्म्स ने महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म करने में भी एक अहम भूमिका निभाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 में से 9 पैरामीटर्स, जैसे ईज ऑफ डीलिंग इलेक्ट्रिसिटी, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट होना अपने आप में बहुत बड़ा नोटिसेबल फैक्टर है। 50% अराउंड 50% ऑफ द एफडीआई दैट केम टू इंडिया हैज कम टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अलोन। नाउ वी वांट टू अलाइन अवरसेल्फ विथ योर विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2025, we have decided that we will make Maharashtra 1 trillion economy
by 2025. And if we look at the Maharashtra's growth trajectory, Maharashtra is growing at around 9.3%. Our GDP today is $400 billion. If we grow at the same speed, we will achieve $1 trillion economy by 2030. महाराष्ट्र मैग्नेटिक इन्वेस्टर समिट में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान हुआ, ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर अगले 10 साल में महाराष्ट्र में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। रिलायंस विल इन्वेस्ट विद अ कोएलिशन ऑफ ग्लोबल कंपनीज मोर देन 60,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इन दिस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। When we contacted global reputed technology companies to participate, we received an overwhelming response. Just within a few weeks, more than 20 global companies have already agreed to co-invest with Reliance. And these include Cisco, Siemens, Corning, HP, Dell, Nokia, and Nvidia. I firmly believe that what China could achieve with its manufacturing revolution, India can achieve much more and much more quickly under the leadership of our Prime Minister in this new services-led digital fourth industrial revolution. और वहीं वर्जिन हाइपरलूप वन के चेयरमैन रिचर्ड बैंसन ने कहा कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप बनाएंगे वो, और इस हाइपर लूप से मुंबई पुणे के बीच की दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो सकेगी। The Indian state of Maharashtra has signed a framework agreement with the intent to build a virgin hyperloop between Pune and Mumbai, beginning with an operational demonstration track in the region. Now, just to let you know what this means. This first Hyperloop route will link central Pune with Mumbai and Navi Mumbai International Airport in around 15 to 20 minutes. How long does it take on the road? And it will connect 26 million people. Individual pods will go straight to individual gates at the airport, saving a further hour or so going through the airport. It will carry 150 million passengers per year. चलिए आपको ये भी बता दें कि मुंबई को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस एयरपोर्ट की लागत करीब 16,700 करोड़ रुपए होगी। नया एयरपोर्ट बनने के बाद मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बोझ कम होगा। एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के चौथे कंटेनर टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। निफ्टी की हल्की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई। 19 पॉइंट्स के गेंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, 10,466 मौजूदा स्तर, और इंडियन मार्केट्स आज जो वीकली ओपन है हो सकता है कि पॉजिटिव फ्रंट पे करते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर रहने चाहिए वो बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अंचल बताएं आज न्यूज फ्लो कहां पर स्ट्रांग है? शुक्रिया राजा, शुरुआत करेंगे एविएशन शेयरों से। ये देखिए घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक डेटा आया है और उसके तहत जनवरी में जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो करीब 19.7% बढ़कर 1.15 करोड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं वीकनेस इस बार ही रही है इंडिगो की तरफ से, जहां ट्रैफिक पैसेंजर ट्रैफिक घटा है 90.8% से घटके 89.7% रहा। यहां थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। स्पाइस जेट का पैसेंजर ट्रैफिक घटा है, उस पर भी थोड़ा डेंट देखने को मिलेगा। जेट एयरवेज इसके विपरीत वहां पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखी है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम कर सकता है। और इंडियन एयरलाइंस इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है पैसेंजर ट्रैफिक पे। नेट नेट इंडिगो स्पाइस जेट पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है, जेट स्लाइटली स्ट्रॉन्गर नोट पे रह सकता है। पावर ग्रिड पे नजर रखिएगा। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है, 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसके लिए सबसे कम बोली लगाई है। अच्छा प्रोजेक्ट है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, कहीं ना कहीं पावर ग्रिड पे फोकस रखिएगा। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये स्टॉक आज आपके रेडार में होना चाहिए, यहाँ अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रॉन्ग तेजी रह सकती है। कारण ये है कि मणिपाल टेक ने बैंकरप्सी याचिका को वापस लिया है, जो कंपनी के खिलाफ इन्होंने बैंकरप्सी याचिका लगाई थी उसे वापस ले लिया गया, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज आरकॉम पे आ सकता है, यहाँ फोकस रखिएगा।
साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी खबर है, कंपनी इंडियन फिल्म कंबाइन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीद रही है, 65% हिस्सेदारी खरीद रही है। और जो कंपनी इंडियन फिल्म कंबाइन, ये बेसिकली ड्राइव इन थिएटर और होटल बना रही है, जिस पर ऑलरेडी 1100 से ज्यादा करोड़ का खर्च कर चुकी है। कहीं ना कहीं क्रिटिकल रहेगा, बट हाँ, कोई मेजर ट्रिगर नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। इन्फोसिस पे भी खबर है, इन्होंने ऑन मोबाइल सिस्टम्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है। ये पूरी हिस्सेदारी $24 लाख में बेची गई है, अच्छी रकम है। एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है आज इन्फोसिस पे। फ्राइडे को भी ऑन अ वीकर नोट बंद हुआ था कमजोर बाजार में, तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस आपके फोकस पे होना चाहिए। और आखिरी शेयर बिनानी इंडस्ट्रीज, यहाँ फोकस रखिएगा, तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। कारण ये है, दालमिया भारत और अल्ट्राटेक ने फाइनल बिड अपनी दी है, 6000 करोड़ के करीब दोनों ही कंपनियों ने बोली लगाई है। ये सीमेंट कारोबार को खरीदने के लिए बोली लगाई गई है। अच्छी चीज ये है कि इस बोली में कंपनी को कुछ रकम भी मिलेगी, साथ ही जो लेंडर्स है उनको 20% तक स्टेक देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं आज बिनानी इंडस्ट्री, जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है बिनानी सीमेंट की, वहां पे तेजी आपको आती हुई दिखेगी। चलिए, तो बिनानी इंडस्ट्रीज पे नजर रखनी होगी। हो सकता है कि यहाँ पर एक पुल बैक का कैंडिडेट बने, पिछले सत्र में हाई लेवल पे रिट्रेस हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। और दूसरी जो कंपनियां रहेंगी वो रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट और दालमिया भारत, जिसपे आपको नजर रखनी है। सीमेंट कारोबार के लिए 6000 करोड़ की बोली लगाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट बहुत मायने रखती है। देखिए, वहां पर सोने चांदी में पिछले सत्र में सोने में 0.25% के आसपास की तेजी दिखी। चांदी पे भी लोअर लेवल से एक इंडियन मार्केट से पुल बैक देखने को मिल रहा था, और आज इंटरनेशनल मार्केट्स पे ओपनिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तेजी के संकेत हैं। क्रूड ये फोकस में है, क्योंकि पिछले सत्र में घरेलू बाजार पे लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी थी, लेकिन ब्रेंट देखिए 65 के ऊपर निकला है। नाइमेक्स में $62 के ऊपर हो रहा है कामकाज, 1% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। इसी पे अपडेट दे लेते हैं, मेरे साथ अमित सजेजा जी मौजूद है, एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से। अमित जी नमस्कार, क्रूड पे बताएं सर क्या करना चाहिए? ये जो तेजी है, ये जो $65 के ऊपर के भाव दिखाई दे रहे हैं, अब इसको यूज करें दोबारा से पोजीशंस बेचने के लिए इंडियन मार्केट्स पे, या फिर खरीदारी बढ़ सकती है? जी नमस्कार, देखिए मेरे हिसाब से जो करंट पुलबैक आ रहा है वो 63.3 तक एक्सटेंड हो सकता है WTI क्रूड में। घरेलू बाजार में हो सकता है 4020 से 4030 के भाव में देखने मिल जाए, तो फिलहाल बाइंग की सलाह होगी। ओके, ठीक है, 4020 तक के टारगेट्स और 3930 के आसपास अगर ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। सर, ये 3930 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से नीचे लगभग 40-50 पॉइंट? देखिए, एक हल्का सा डेगो में इनिशियली यूरोपियन सेशन तक देखने मिल सकता है, जो एक बैंक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है। ओके, और प्रेशियस मेटल्स पे, सोने और चांदी पे क्या करना चाहिए आज के लिए? जी, आई थिंक ब्रॉडली US मार्केट्स में इन्फ्लेशन के चलते गोल्ड सपोर्टेड रहने की उम्मीद है, और घरेलू बाजार में भी 30,700 अगर दिखता है तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। 31,000 तक हम शॉर्टली टारगेट देख सकते हैं। अच्छा, ये ना मेटल्स में बहुत न्यूज फ्लो बढ़ गया है, इनफैक्ट चाइना और US में यहाँ पर तनाव है मेटल्स को लेकर के। अगर US ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन की तो चाइना उसको काउंटर अटैक करेगा। ये प्रेशियस मेटल्स पे क्या कोई ऐसी कॉमोडिटी है जहां पर अभी भी तेजी बरकरार रह सकती है? इनफैक्ट माफ कीजिएगा, बेस मेटल्स पे कोई ऐसी कॉमोडिटी है जहां पर तेजी बरकरार रह सकती है? बेस मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मेरे ख्याल से जिंक एक मेटल है जो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, जब तक 228 के ऊपर है तब तक स्ट्रांग बना हुआ है, और मेरे हिसाब से अपसाइड में 235 तक के भाव में देखने मिल सकते हैं जिंक में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सोने और क्रूड दोनों पे खरीदारी की राय, और अगर आपको बेस मेटल्स पे खरीदारी करनी है तो उसमें जिंक एक प्रेफर्ड कॉमोडिटी हो सकता है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।